नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविक अपडेट से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेके आऊँ आपके लिए अगेन केमिकल इंजीनियरिंग गेट से अगेन 2013 का हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन, जो अगेन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। दैट इज बेस्ड ऑन काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर एक्चुअली। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बढ़िया से रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोज आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटल चल रहा है, साथ में मैकेनिकल सिविल एंड केमिकल का गेट के प्रिपरेशन क्वेश्चंस भी चल रहे हैं। तो चलिए देखिए, और कोई भी क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे पास गिवन डेटा होना बहुत जरूरी है, और इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को अपनी नेटिव लैंग्वेज में समझना बहुत जरूरी है, यही है। और इस क्वेश्चन में डायग्राम दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, ओके। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो पढ़ता हूं, इन अ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, इन अ डबल पाइप काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर, द टेम्परेचर प्रोफाइल शोन इन फिगर वर ऑब्जर्व। ये एक टेम्परेचर प्रोफाइल का डायग्राम है, ठीक है। तो काउंटर करंट क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हॉट फ्लूइड सपोज अगर इस साइड से एंटर हो रहा है तो काउंटर करंट ये मतलब हीट एक्सचेंज हो रही है। अगर हॉट फ्लूइड इस डायरेक्शन से है तो कोल्ड फ्लूइड आपका उल्टे डायरेक्शन से है। तो ये जो कनेक्शन है के बोल सकते हैं, या फिर ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं आपका काउंटर करंट। हॉट फ्लूइड यहां से, कोल्ड फ्लूइड यहां से, या फिर बोल सकते हैं कोल्ड फ्लूइड यहां से तो हॉट फ्लूइड यहां से। तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसको काउंटर करंट बोलते हैं। और ये जो हीट एक्सचेंजर है ये डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर प्रोफाइल दिया हुआ है, तो टेम्परेचर प्रोफाइल क्या बोलता है, यहां से हॉट फ्लूइड एंटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। मान लेते हैं क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि ये ट्यूब के थ्रू इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो मान लेते हैं कि ये ट्यूब के थ्रू अंदर जा रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे एंटर कर रहा है और बाहर निकल रहा है 60 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि हॉट का टेम्परेचर है। और यहीं से कोल्ड लिक्विड, जैसे कि मैंने आपको बोला था हॉट फ्लूइड ऐसे जा रहा है और कोल्ड फ्लूइड उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये काउंटर करंट आपका अरेंजमेंट है। कोल्ड लिक्विड इन हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस पे शेल के थ्रू और 80 डिग्री सेल्सियस पे निकल रहा है हीट एब्जॉर्ब करने के बाद हॉट फ्लूइड से, ठीक है। तो उसमें क्या देखा जाता है, ड्यूरिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान, ठीक है, जब वो नया होता है तभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, मगर कुछ टाइम्स या फिर कुछ सालों बाद उसमें कुछ क्या बोलते हैं, ऑपरेशन के दौरान बोल सकते हैं, जब ये चल रहा होगा 1 साल के बाद देखा गया होगा कि ड्यू टू फाउलिंग इनसाइड द पाइप, पाइपलाइन में फाउलिंग आ जाती है। फाउलिंग क्या होता है, फाउलिंग फैक्टर एक होता है जो हमेशा हीट एक्सचेंजर को डिजाइन करते वक्त कंसिडरेशन में होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल हीट ट्रांसफर कोफिशियंट, जो क्लीन हीट ट्रांसफर कोफिशियंट ज्यादा होता है, फाउलिंग फैक्टर जब हम इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं तो हीट ट्रांसफर जो होती है, हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशियंट रिड्यूस हो जाता है, आप याद रखिएगा, फॉर अ पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो हमेशा फाउलिंग फैक्टर डिजाइन में लिया जाता है। तो फाउलिंग आने की वजह से जो हीट ट्रांसफर है वो कम हो जाता है, ठीक है, यानी कि हीट ट्रांसफर कोफिशियंट कम हो जाता है पाइपलाइन के अंदर। तो माना गया है कि ट्यूब के अंदर कुछ फाउलिंग हो जाती है, फाउलिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका हीट ट्रांसफर एरिया, एरिया नहीं बोलेंगे, हीट ट्रांसफर कम हो जाती है उस दिए हुए एरिया के थ्रू। तो अब क्या बोलता है, द हीट ट्रांसफर रेट रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो मान लेते हैं कि पहले केस वन में, मान लेते हैं कि ये केस वन है, ठीक है, जब ये नया था, जब तक हम इसे चलाया नहीं था या फिर चला रहे थे तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं था, फाउलिंग का प्रॉब्लम नहीं था, उस दौरान जो हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज Q1, केस वन के लिए। मगर जैसे ही हमने ऑपरेशन किया, यानी कि चलना स्टार्ट हुआ, 1 साल बीत गया, फाउलिंग की प्रॉब्लम आई ट्यूब के थ्रू यानी कि पाइप के थ्रू, जो हीट ट्रांसफर की वैल्यू है वो हो गई आपकी Q2, और ये लगभग आपकी हाफ हो गई है पहले वाले केस के, यानी कि बताया हुआ जो हीट ट्रांसफर रेट है वो लगभग आधा हो जाता है आपकी ओरिजिनल वैल्यू के। तो ओरिजिनल वैल्यू आपकी Q1 थी, तो ये हो गया है आपका केस टू में Q1/2। अज्यूमिंग दैट फ्लो रेट्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड डू नॉट चेंज, मान उन्होंने बताया है कि ऐसा मान लीजिए कि जो फ्लो रेट है आपका हॉट फ्लूइड का और कोल्ड फ्लूइड का, और दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जैसे थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, मास हो गया, देन जो दूसरी प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं हो रही है, तो जो LMTD है, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में, इस नए सिचुएशन के दौरान क्या होगा, समझ गए। ए ऑप्शन है पहला 0 होगा, बी 20 होगा, सी 40 डिग्री सेल्सियस होगा, या इंटरमीडिएट यानी कि बीच में होगा कहीं पे। तो क्वेश्चन को फिलहाल अब हम मिटा देते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, 2013 केमिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया, हीट ट्रांसफर में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए भी सेम क्वेश्चन रेफर किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम केस वन की बात करेंगे, ठीक है। तो केस वन की अगर आप बात करते हैं तो जो हीट
लॉस की गई हॉट फ्लूइड द्वारा किसको, कोल्ड फ्लूइड को, तो मैं यहां लिखूंगा हीट लॉस्ट बाय योर हॉट फ्लूइड। ये क्या है, अब आपको मालूम है कि फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। तो हम इसे थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, केस वन के लिए तो क्यू वन लिखूंगा एम सी पी। अब ये देखिए, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो बोला गया था कि आपका फ्लो रेट कॉन्स्टेंट है, दूसरी जो प्रॉपर्टीज है जैसे स्पेसिफिक हीट है वो कॉन्स्टेंट है, तो मैं एक काम करता हूं इसको मैं हॉट फ्लूइड के लिए कर देता हूं, ठीक है। अब डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी दिया हुआ है 100 माइनस 60, तो दिस विल बी योर 100 माइनस 60। तो अच्छे से लिखेंगे तो क्यू वन विल बी एम सी पी। ये मैं हॉट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हॉट फ्लूइड से रिलेटेड ये उसकी प्रॉपर्टीज है हॉट फ्लूइड की, ये मास फ्लो रेट है और ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो 100 माइनस 60 इज योर 40। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको मैं वन कर दूंगा, फिलहाल मैं लिख लूंगा ये क्यू वन है और ये क्यू वन क्या है, जो हीट लॉस किया गया हॉट फ्लूइड द्वारा, ठीक है, केस वन में। तो क्यू वन इक्वल टू एम सी पी, ये हो जाएगा आपका हॉट फ्लूइड के थ्रू, ओके। और ये क्या है 40 into 40, तो ये दिस आई विल कॉल इट एज 1, और ये जो हीट आपकी लॉस की गई है हॉट फ्लूइड द्वारा, ओके। सेम केस, अब मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। अब ये जो हीट गेन, अगर हॉट फ्लूइड लॉस कर रहा है हीट तो डेफिनेटली कोई गेन करने वाला होगा, तो कोल्ड फ्लूइड गेन करेगा, तो हीट गेन्ड बाय कोल्ड फ्लूइड केस वन में ये अंदर, ठीक है। ये जो होगा दिस विल बी सेम फॉर्मूला यूज होने वाला है, दिस विल अगेन सेम Q1, क्योंकि जितनी हीट ली गई है यानी कि दी गई है उतनी ली भी गई है, तो ये Q1 इधर है तो यही Q1 इधर भी होगा। दिस इज एम सी पी, इसको मैं कोल्ड फ्लूइड के लिए कर दूंगा, कोल्ड फ्लूइड का अलग मास फ्लो रेट होगा, स्पेसिफिक हीट अलग होगी, तो इस कोल्ड फ्लूइड के हिसाब से मैंने यहां पे कोल्ड लिख दिया है इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा आपका 80 माइनस 40, तो दिस विल बी 80 माइनस 40, क्लियर हो गया। सो देयरफॉर हम अच्छे से लिखेंगे दिस इज योर एम सी पी कोल्ड के लिए, 80 माइनस 40 इज इंटू 40, तो आई कॉल इट एज 2। तो ये जो इक्वेशन है Q1, ये जो है दिस इज एम सी पी, ये आके कोल्ड फ्लूइड के लिए इंटू 40, क्लियर हो गया। लेट मी चेक, यस दिस इज करेक्ट, 100 माइनस 60 80 माइनस 40, या दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और ये जो सेकेंड इक्वेशन याद रखिएगा, ये हीट गेन की गई है कोल्ड फ्लूइड के लिए, ओके। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारा केस टू, ठीक है। डेल्टा टी तो नहीं मिटाना चाहिए क्योंकि काम में आ ही रहा है, ओके। अब हम केस टू में चलेंगे, ठीक है। अब मैं यहां पर जरा मिटा देना चाहता हूं, इसका डायग्राम मैंने केस टू का नहीं बनाया, तो फिलहाल मैं आपके लिए केस टू का डायग्राम यहां बनाता हूं, ठीक है। तो ये रहा हमारा टेम्परेचर प्रोफाइल का डायग्राम, ओके। अब मान लेते हैं ये हमारा केस टू है, ये था हमारा केस वन, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो आपका हॉट फ्लूइड है यहां पे एंटर हो रहा है इन, ओके। एंटर होते वक्त तो ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही था, ओके। अब क्योंकि अगर फाउलिंग आ गई होगी, फाउलिंग का जो मतलब होता है एक्चुअली ट्यूब के अंदर साइड में फाउलिंग आना, यानी कि क्या बोलेंगे, पानी में अगर जरा भी हार्डनेस हुई, कुछ डिसॉल्व्ड कैटायंस हुए, ठीक है, तो वो क्या होता है सरफेस पे चिपक जाते हैं, जैसे जैसे पानी बॉयल होता है यानी कि स्टीम बनती जाती है, समझ रहे हैं। जैसे जैसे पानी बॉयल होता है तो कुछ डिसॉल्व्ड मटेरियल होता है आपका, जो हार्डनेस का कारण बनता है। इसलिए जब भी बॉयलर के अंदर या हीट एक्सचेंजर के अंदर कोई फ्लूइड डाला जाता है तो वो कैटायन फ्री होना चाहिए, उसमें हार्डनेस नहीं होनी चाहिए। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे जैसे पानी हार्ड अगर हम डालते हैं तो उसमें डिसॉल्व जो भी चीजें होती हैं वो सरफेस पे आती हैं और आपकी जिस सरफेस के थ्रू आपका हीट ट्रांसफर होता है उसको ब्लॉक करती हैं, और जो हमारे पास अवेलेबल जितना पहले हीट ट्रांसफर एरिया अवेलेबल था हीट ट्रांसफर के लिए, मगर अब फाउलिंग की वजह से कुछ मटेरियल चिपक जाने की वजह से आपका हीट ट्रांसफर एरिया कम हो गया है, हीट ट्रांसफर अच्छे से नहीं हो रही, तो हीट ट्रांसफर की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो मान लेते हैं कि अगर ट्यूब साइड में वो फाउलिंग मतलब जो मटेरियल है अंदर से चिपक गया है, एक फाउलिंग हो गई है कुछ दौरान यूज करने के बाद इस हीट एक्सचेंजर को, तो डेफिनेटली हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, हीट नहीं जा पा रही है आपकी सेल साइड शेल साइड की जो कोल्ड फ्लूइड की तरफ। तो डेफिनेटली जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये कुछ हायर टेम्परेचर से निकलेगा, इस केस में 100 था, बाहर निकला 60 डिग्री सेल्सियस केस वन के तौर पे। अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही तो डेफिनेटली यहां पर जो टेम्परेचर आएगा वो ज्यादा ही होगा, मान लेते हैं टी वन है, और ये हो जाएगा हमारा हॉट लिक्विड आउट। और मैं इतना तो डेफिनेटली बोलूंगा कि 60 से ज्यादा ही टेम्परेचर होगा क्योंकि हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रही,
तो गर्म डालोगे तो डेफिनेटली इससे तो ज्यादा ही टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो फिलहाल ये नीचे की तरफ जा रहा है, ओके। अब ये है हमारा कोल्ड फ्लूइड इन, तो ये हो गया हमारा कोल्ड फ्लूइड इन, तो दिस इज योर कोल्ड इन। तो डेफिनेटली अगर ये हीट ट्रांसफर नहीं हो पा रही है तो यहां पर भी ये ज्यादा टेम्परेचर गर्म नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा एंटर करते वक्त 40 डिग्री सेल्सियस, मगर जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो ये ज्यादा गर्म नहीं होगा, तो डेफिनेटली यहां का टेम्परेचर 80 से कम होने वाला है। तो फिलहाल यहां पे लिख देता कोल्ड आउट, तो दिस आई विल कॉल इट एज T2, और T2 डेफिनेटली 80 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो अब केस टू में जो हीट दी गई है यानी कि लॉस की गई है हॉट फ्लूइड द्वारा, तो यहां पे लिखूंगा हीट लॉस्ट बाय हॉट फ्लूइड, ये कितनी होगी, ठीक है, ये कितनी होगी, सेम फॉर्मूला, दिस इज क्यू। मगर एक चीज बताई गई थी कि केस टू में जो भी हीट ट्रांसफर होगी वो केस वन के हाफ होगी, तो मैं यहां पे लिखूंगा सबसे पहले Q2 इक्वल टू MCP। फ्लूइड तो हमारा वही है, मास फ्लो रेट भी वही है, बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी वही है, ये तो हमारा हॉट के लिए होगा। अब यहां पर इस केस में डेल्टा टी जो होगा 100 - T1, समझ गए, 100 - T1, क्लियर हो गया। अगर अच्छे से लिखेंगे Q2 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि बता दिया गया था कि फॉलिंग आने के बाद जो हीट ट्रांसफर है वो आधी हो गई है आपके केस वन से, तो Q2 कैन बी रिटन एज Q1 / 2 इक्वल टू MCP, दिस इज योर हॉट, एंड ये हो जाएगा 100 - T1। तो Q1 को अच्छे से लिखा जा सकता है, ये ट्वाइस यहां पर आ गया, दिस इज MCP, दिस इज हॉट एंड दिस इज 100 - T1, क्लियर हो गया। तो ये जो है इसको हम लिखेंगे थर्ड इक्वेशन, ये अब हम यहां पे लिख देते हैं, यहां पे मैं थोड़ा सा डैश डाल देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि ये कौन सी इक्वेशन है। दिस इज Q1, ये है हीट लॉस बाय हॉट फ्लूइड केस टू के लिए, तो दिस विल बी ट्वाइस MCP, दिस इज योर हॉट इंटू 100 - T1, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो वैसे ही अगर हीट लॉस की गई है हॉट फ्लूइड द्वारा, तो हीट गेन करने वाला कोल्ड फ्लूइड में केस टू में अवेलेबल ही होगा। तो फिलहाल अब मैं ये मिटा देता हूं बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो होगा हीट लॉस हो गया है, अब हीट होगा गेन केस टू फ्लूइड द्वारा गेन्ड बाय इस कोल्ड फ्लूइड द्वारा, हीट गेन बाय योर कोल्ड फ्लूइड, तो दिस विल बी, ये केस टू के लिए है, तो अगेन दिस इज द सेम Q2 इक्वल टू MCP, क्योंकि ये जो लिक्विड है हीट कौन ले रहा है, आपकी कोल्ड फ्लूइड द्वारा, तो डेफिनेटली ये जो प्रॉपर्टीज होंगी सारी कोल्ड फ्लूइड की होंगी। डेल्टा टी क्या है आपका, दिस इज योर T2, डेफिनेटली देखिए T2 जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस तो कम ही होगा, क्योंकि फाउलिंग आने के बाद ज्यादा हीट ट्रांसफर हुई नहीं, तो दिस विल बी T2 - 40, समझ रहे, क्योंकि यहां पर तो टेम्परेचर तो राइज होने वाला, तो T2 40 से ज्यादा ही होगा, तो दिस विल बी T2 - 40। अगर हम इसे अच्छे से लिखेंगे Q2 क्या है, Q2 आपके पहले केस का लगभग हाफ है, जो बताया गया है कि फॉलिंग के बाद आपका हीट ट्रांसफर आधा हो जाता है पहले केस के मुकाबले, तो दिस विल बी, हम Q2 की जगह लिख सकते हैं Q1 / 2 इक्वल टू MCP, और ये कोल्ड के लिए था, दिस विल बी T2 - 40। फाइनली हम Q1 लिख सकते हैं MCP कोल्ड के लिए इंटू T2 - 40। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ओके। तो आई कॉल इट एज 4, ठीक है, ये 4 बोल देता हूं, यहां पर लिख लेते हैं, दिस इज योर अगेन Q1, दिस इज M, और ये ट्वाइस है, एक्चुअली ये 2 इस साइड जाना चाहिए, तो यहां पर मैंने 2 लिखा नहीं है, दिस विल बी ट्वाइस MCP, दिस इज कोल्ड के लिए इंटू योर T2 - 40, तो दिस इज योर 4th इक्वेशन। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोनों इक्वेट करते हैं, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये हीट लॉस की गई थी हॉट फ्लूइड द्वारा केस वन में, ठीक है, और ये जो सेकंड केस में अगर आप देखेंगे ये हीट लॉस की गई थी आपके हॉट फ्लूइड द्वारा केस टू में, ठीक है, मगर ये भी Q1 के बराबर है और ये भी Q1 के बराबर है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and your 3 फॉर हॉट फ्लूइड के लिए, क्योंकि ये भी हॉट फ्लूइड के लिए है, जो हीट लॉस की गई थी हॉट फ्लूइड द्वारा, ये है हॉट फ्लूइड के लिए, ये भी है आपके हॉट फ्लूइड के लिए, ये है आपकी कोल्ड फ्लूइड के लिए, और ये भी है आपकी कोल्ड फ्लूइड के लिए। तो फ्रॉम 1 and 3 अगर आप, ये भी Q1 के बराबर है, ये भी Q1 के बराबर है, तो अगर आप दोनों इक्वेशन को सामने रखेंगे, दिस विल बी MCP हॉट इंटू 40, ओके, इक्वल टू योर दिस इक्वेशन ट्वाइस MCP,
this is again hot, this will be 100 minus T1. तो अगर आप देखेंगे MCP hot, ये properties जो physical properties तो निकल जाएंगी, तो this will be your, let me check, first and third, so this will be your 40, yes. हाँ, तो क्या होगा, this is 40, simply मैं क्या करूंगा, 2 को multiply कर दूंगा, इसे 200 minus twice T1, तो अगर आप इसे solve करेंगे, twice T1 को मैं left hand side ले लेता हूँ, plus बन जाएगा, this will be 200 minus plus, वहाँ पे चला जाएगा 40, so therefore T1, twice T1 equal to 200 minus 40 is your 160, therefore T1 equal to your 80 degree Celsius, T1 हमारा हो गया है, 80 degree Celsius, तो ये जो है हमारा 80 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये तो आ गया हमारा, लेट मी चेक या दिस इज करेक्ट. तो वैसे ही अब मैं क्या करूंगा, अब कौन सी इक्वेशन रिलेट करूं, ये हमारी हो गई थर्ड हो गई, अब सेकंड एंड फोर्थ को रिलेट कर दूंगा, तो दिस विल बी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, मगर ये किसके लिए रहेगा, आपकी कोल्ड फ्लूइड के लिए, ठीक है, जो हीट गेन की गई है कोल्ड फ्लूइड द्वारा. तो अगेन मैं दोनों इक्वेशन को रिलेट करूंगा, अगेन MCP दिस इज फॉर कोल्ड इनटू 40 इक्वल टू आपकी फोर्थ इक्वेशन, दिस इज विल बी ट्वाइस एम सी पी कोल्ड फ्लूइड के लिए इनटू योर टी टू माइनस 40, टी टू माइनस 40, ठीक है, तो यहां पर आप कैंसिल कर सकते हैं दोनों प्रॉपर्टीज को, एंड दिस विल बी 40, ओके, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप चाहें तो डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मैं यहां पे अंदर मल्टीप्लाई करके ट्वाइस टी टू, 2 4 8 माइनस 80, तो ये जो ट्वाइस टी टू है इधर रहने देता हूं, ये माइनस 80 उससे आएगा, तो 40 प्लस 80 इज योर 120 इक्वल टू ट्वाइस टी टू, देयरफॉर टी टू इक्वल टू 120 बाय 2, दिस इज कैंसल, दिस इज 60 डिग्री सेल्सियस. तो अगर आप देखेंगे ये आ गया आपका 60 डिग्री सेल्सियस. तो जैसा मैंने बोला था आपको कि केस 1 में, ठीक है, अब फॉलिंग हो गई है, फॉलिंग की वजह से हीट ट्रांसफर ज्यादा नहीं हुआ, तो डेफिनेटली गर्म फ्लूइड था तो ज्यादा हीट ट्रांसफर नहीं दे पाएगा, तो यहां पर डेफिनेटली और गर्म पानी निकलेगा, ठीक है, जो भी फ्लूइड होगा, तो 80 डिग्री सेल्सियस आया, हीट ट्रांसफर ज्यादा नहीं हुई सेल साइड पे, तो पहले 80 पे था, फॉलिंग फैक्टर की वजह से आपका टेम्परेचर कम निकला यहां पे, तो अब आपका जो एलएमटीडी होगा दैट विल बी, यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो दिस विल बी 100 माइनस 60, दिस विल बी कितना हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, ऐसा निकाल सकते हैं, दिस 100 माइनस 60 दिस इज 40 डिग्री सेल्सियस, या फिर और आप क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, नए सिचुएशन के लिए केस 2 के लिए हमें LMTD फाइंड आउट करना था, ठीक है, तो या फिर ऐसा निकाला जा सकता 80 माइनस 40, 80 माइनस 40 दिस इज अगेन 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया हमारा LMTD, आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन था वो कौन सा था, 40 डिग्री सेल्सियस जो हमारा LMTD था, आई थिंक वो ऑप्शन सी था, लेट मी चेक, फिलहाल मैंने ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, जो ऑप्शन था हमारा दैट वाज योर सी, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, दैट वाज वेरी इजी, सो ऑप्शन इज योर सी, इट वाज वेरी इजी टू डू, आप पहले अंडरस्टैंड कीजिए देन इसे कीजिएगा, इट विल बी क्वाइट इजी टू डू, और ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए अगर आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा होगा, इवन फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, हीट ट्रांसफर, गेट केमिकल इंजीनियरिंग से कोई क्वेश्चन, सिविल इंजीनियरिंग से, गेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो लेके आने की. थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू.